हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, और ये क्वेश्चन बैंक है, और ये क्वेश्चन BSEB का है, बिहार बोर्ड का है। लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, में हमेशा बोलते आ रहा हूँ, खास करके साइंस का, सोशल का और मैथ का, या कोई ग्रामर हो या व्याकरण हो, ये सभी के लिए बराबर है। लेकिन मेरे पास बिहार बोर्ड का, इसलिए मैं बिहार बोर्ड का आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ सवाल, ठीक है। और आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक हो, यानी कि क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ज़रूर देखें और पूरा सवाल को देखें। अगर आपके पास सवाल है, बना भी लें, फिर भी देखिए, और आप मुझे बताएं कि इससे 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में आपके आपको 50 आता है, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो नीचे कमेंट जरूर करना, अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा, निम्न से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब जो अलग अलग स्टेट के हैं, क्या बोलें, वो आपके सिलेबस में ये है कि नहीं? बिल्कुल होगा, है ना। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को रोक के आगे आंसर दे लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें, ठीक है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर हमारा होगा बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आंसर हमारा बी। सवाल है, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु बिंब की दूरी ली जाती है, किसे लेते हैं, धनात्मक से या धनात्मक, ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इन इसको नहीं। तो आप पढ़े होंगे दर्पण, इस तरह से अगर है अवतल दर्पण तो इसके सामने रखा जाएगा, सामने यहाँ पे आएगा फोकस, तो ये चिन्ह परिपाटी बोलो तो इस तरह से। और आपको पता है दाएँ प्लस बाएँ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इधर जब रखेंगे सामने में तो जाहिर सी बात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आंसर हमारा बीज होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब कि पीछे देखने के लिए किया जाता है? कितना हल्का सा सवाल देखो एग्जाम में, कितना भारी भारी सवाल पढ़ रहे होंगे आप, मेरे ख्याल से एकदम टफ से टफ सवाल पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि एकदम ईजी जी सवाल एग्जाम में आता है, टफ सवाल आता ही नहीं है, मीडियम सवाल आता है, थोड़ा घुमा देता है सवाल आपको ताकि आप घूम जाओ। तो इसके लिए मैं आपको रोज़ 9:30 बजे रात में, 9:30 बजे रात में डेली यहाँ पे साइंस सोशल का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और बाकी तो सारा कुछ चल ही रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दर्पणों के रूप में किया जाता है, मतलब पीछे देखने के लिए? तो जानते हैं उत्तल दर्पण का, इसको साइड मिरर भी कहते हैं। कभी कभी दे देगा ना कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, हिंदी में लिख देगा साइड मिरर, ठीक है। तो याद रखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में, या तो पक्ष दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, मतलब एक ही लेंस, एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन दिख रहा, सामान्य जब नेत्र समान होगा, सामान्य नेत्र मतलब जो नॉर्मल जो नेत्र होगा, जिसका आँख सही होगा, तो दूर बिंदु जितना मर्जी उतना दूर देख लेगा, है ना जी। जब नेत्र सामान्य है, सामान्य मतलब जनरल है, जनरल आँख, जैसे जो चश्मा नहीं लगा रहा या जनरल है, तो दूर बिंदु उसके लिए क्या एकदम अनंत है, अनंत से अनंत दूरी तक वो देख सकता है, क्लियर है। सवाल ऐसे ही याद करना, ये कन्फ्यूजन करता है। एक जो आता है 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि दूर के लिए जो अधिकतम दूरी है, दूर दृष्टि दोष के लिए, तो सॉरी निकट दृष्टि दोष के लिए अधिकतम दूर, चूँकि निकट के दृष्टि दोष में दूर नज़दीक तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो उसके लिए अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर रखा जाता है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सामान्य नेत्र बोला जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग, ओके यहाँ पे क्या लिखा हो, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर का दिखाई दे रहा और नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा, है ना, ये नहीं होता जी। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा। तो नज़दीक के देखने के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या लेंस, उत्तल लेंस का। आंसर हमारा भी होगा। अब यही अगर बोलता कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का दिख रहा, दूर का नज़दीक दिखा, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल फिर करेंगे, क्लियर है। ओके नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ण का रंग तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? कितना हल्का सवाल है, बड़ा का मतलब सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सवाल है किस रंग का, वर्ण का रंग सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है, बात एक ही है। तो देखिए कितना हल्का सवाल है, हमेशा पढ़ते रहे, मैं तो बोलूँगा आप लोग से 50 में 50 आना चाहिए सभी को, नहीं तो 45 से तो कमाना नहीं चाहिए था,
लाल नीला पीला बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है, लाल का होता है। बिल्कुल लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और लाल का विचलन सबसे कम होता है, लाल का जो विचलन जो है सबसे कम होता है, और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है और विचलन जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, बैंगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है और विचलन ज़्यादा होता है, ये सवाल को याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, यानी कि फैलाना प्रकाश को इस तरह से प्रकीर्णन करना, है ना। तो प्रकाश के का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है, कौन, टिंडल प्रभाव। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अब देखो विद्युत शक्ति का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जानते हैं पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है, ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। अब अगर डब्ल्यू निकालें तो हमको विद्युत शक्ति को देखना है, विद्युत शक्ति को कौन यहाँ पर निरूपित करता है। चलिए तो आप जानते हैं एक डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है, ये पढ़े होंगे। अच्छा, डब्ल्यू जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, पी टी हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ये पढ़े होंगे आप, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है आप पढ़े होंगे, विभवांतर बराबर पढ़े होंगे डब्ल्यू बाई क्यू पढ़े होंगे। अब देखो ये डब्ल्यू का वैल्यू हम यहाँ पे अगर कहते हैं तो वी क्यू गुना हो जाएगा, देखो डब्ल्यू इधर जाएँ तो वी क्यू क्या होगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। वी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, वी बराबर आई आर होता है, ठीक है, और एक पढ़े फॉर्मूला क्यू बराबर आई, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़े कि नहीं पढ़े। तो जब क्यू निकालना हो तो आई को टी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पे भी बराबर क्या होगा, आई आर हो जाएगा, और क्यू के यहाँ पे क्या होता है, आई टी। तो अगर इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, चूँकि आई दो बार है, और यहाँ पे देखो इसमें हम सेट करेंगे, इसको इसमें सेट करेंगे, तो पी बराबर डब्ल्यू बाई टी है, और डब्ल्यू का वैल्यू इतना आया आई स्क्वायर आर टी, और नीचे टी 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 कहता हूँ क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला हमको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन हमारा ए सही है ना। इसका दूसरा फॉर्मूला देखें, आई स्क्वायर आर, तो ये तो आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि जैसे ये जो फॉर्मूला आया, ये जब कितना आया, आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आर का वैल्यू अगर निकाल, देखो इससे आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे फॉर्मूला ओम के फॉर्मूला से, आर वर्ग का वी बटा आई होता है, तो यहाँ पर आर के अगर बैठा देते हैं वी बटा आई, तो एक आई से आई कैट कैंसिल हो जाएगा, तो भी आई भी एक फॉर्मूला होता है, पी बराबर भी आई भी होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, डब्ल्यू बाई टी भी होता है। अब देखो पी बराबर आया भी आई, और यहाँ पे और भी कुछ आप लगा सकते हो, आई का फॉर्मूला कैसे होता है, चूँकि भी बराबर आई आर हो गया, तो आई का फॉर्मूला भी बटा आर हो जाएगा, हो कि नहीं होगा, तो आई जब हम चाहो तो भी बटा आर भी लिख सकते, यानी कि भी स्क्वायर बटा आर, ये भी फॉर्मूला होगा। तो ऑप्शन में देखें यहाँ पर तो मिल रहा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखें, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। व्यापारिक मात्रक वाट, वाट घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। नैन का सही आंसर क्या होगा जी, तो देखें विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, व्यापारिक मात्रक यहाँ पे है यूनिट, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, ठीक है। ये नहीं, बी नहीं, ये वाट घंटा है, एक इसका नाम किलो वाट घंटा ही बोलते हैं, किलो वाट घंटा भी बोलते हैं जी। एक किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट होता है, दोनों का सेम नाम है, एक किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट। तो दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा ना, तो किसी एक को टिक करोगे, किलोवाट घंटा यानी कि के डब्ल्यू एच, ये लिखिए या यूनिट लिखिए, बात बराबर है। नेक्स्ट सवाल है, फ्लेमिंग के बाएँ हस्त के नियम, फ्लेमिंग के बाएँ हस्त नियम के बाएँ हाथ की तर्जनी संकेत क्या करते हैं। तो बाएँ हाथ का तर्जनी बताना है, क्या संकेत करते हैं, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आंसर भी होगा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के जो तर्जनी उंगली क्या संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, याद कर लें सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति का गति कर रही, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर दे रहा मेरे पास जो है
वो आंसर सी दे रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर किसी को एतराज है इस आंसर पे तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी दे रहा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधी का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या परिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या बोलता है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल मान क्या होगा? देखो, समांतर क्रम हम लोग जो निकालते थे, 1/RP निकालते, 1/R1 + 1/R2। तो जितना वो क्या होता है, अगर प्रतिरोधों की संख्या घटाएंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उतना प्रतिरोध कम आएगा, और जितना कम रहेगा उतना प्रतिरोध ज़्यादा आएगा। क्लियर है? तो जब घटेगा संख्या तो क्या होगा, जैसे कि मान लें 1/3, 1/3, 3 3 ओम का है, मान लें ऐसे निकाल लेते। ठीक है, कितना आएगा, 3, यानी कि 1 आ रहा। अब इसको हम कम कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2/3। इसको जब उल्ट 1/R निकालते हैं ना, तो उल्टेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं, 1 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मतलब क्या हो रहा है कि ये अगर घटाएंगे तो बढ़ते जाएगा, अगर 1/3 ही रहे तो फिर तो 1/3 तो होगा नहीं, तो 2 2 कम से कम होना चाहिए। तो पता चला कि बढ़ते रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो इसका तो सही आंसर बायोगैस ही है, जो उत्तम कोयला का स्रोत है, बायोगैस। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? C6H12O6, ये होता है ना। तो देखिए, ग्लूकोज का है, उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु, ये एक अणु है, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 6 है, कार्बन के भी 6 है, हाइड्रोजन का 12 है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास का होता है तो उसको क्या कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, नुकसान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उपचयन, अपचयन, संरक्षण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं अपचय, अपचयन। क्या होता है, अपचयन बोलेंगे। आंसर हमारा क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। विरंजक चूर्ण इसमें से कौन है? विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसका इंग्लिश। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है। ठीक है, तो इसका सूत्र बताना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 16 का COCl2, आंसर हमारा बी। इसको ऐसे भी लिखते हैं CaOCl2, ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, और ऐसे भी लिखेंगे, बात हमारा बी है, आंसर बी। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो खैर ये तो बहुत ही, लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला, लाल है उसको नीला कर देगा, तो लाल को नीला करता है क्षार। लेकिन नीला अगर रहा, नीला को लाल कर देगा तो वो होगा कौन? अम्ल है, जो नीला को लाल करता है। लेकिन लाल को नीला कर देगा वो कौन करेगा? क्षार करेगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल बोलता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 7 8 9। तो ये तो हर किसी को पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल होगा उसका पीएच मान 7 होगा। आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 के बराबर तो वो उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखें, 19वां। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं, ऑक्साइड की परत बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एनोडीकरण या समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एनोडीकरण, है ना। याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम पर अगर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाएंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। आंसर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। देखते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है, जो खाने वाला पदार्थ होता है, जो तो जिंक का लेप नहीं करते, हालांकि जिंक का जस्तीकरण करते होता बहुत ज़्यादा, लेकिन जिंक का लेप नहीं करते, बल्कि किसका करते? टिन का। क्यों? टिन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन के अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो 20 का हमारा आंसर होगा आंसर सी। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, जिंक जो है बहुत जल्दी जो है
क्रियाशील कर लेता है। क्रियाशीलता पावर जिंक में ज़्यादा है, टिन में कम है, इसलिए इसलिए डिब्बे वाला बर्तन जो खाने वाला पदार्थ होता है उसमें जो है क्या करते हैं, टिन का लेप लगाते हैं। तो जिंक अगर रहेगा तो फिर अभिक्रियाशील कर दे, फिर हमारा जो खाद्य पदार्थ हो जाएगा वो खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सल्फर परमाणु की 72वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये आप रट नहीं सकते सवाल को, रटोगे तो भूल जाओगे। ऐसे सवाल को आपको रटना पड़ेगा, परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, इस तरह से। सल्फर का होता है 16। अब जब 16 आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, 2, 8, 6 ऐसे लिखते हैं। तो कक्षा पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में क्या है 6 है, तो आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो ये आप जानें, है ना, आंसर हमारा क्या होगा 21 का आंसर सी। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आप बंद होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच तो पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के तो एक परमाणु होता ही है, एक परमाणु यहाँ होता है, तो ये दोनों मिल जाएगा, या तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक इसका करेगा, एक इसका साझा करेगा, कितने बंधन बन रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो एक बंधन बन रहा है ना, तो आंसर हमारा क्या होगा एक बंधन बन रहा है। क्लियर है? इस तरह से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, सवाल को समझ के पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के बीच, अगर ऑक्सीजन बोलता तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो तोड़ेंगे तो 2 और 6, तो 2 घट रहा, तो इसके आखिर में 2 बनने के लिए कोशिश करेगा, तो ऑक्सीजन हमारा जो होगा वो आखिर में 6 है, तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, तो 2 यहाँ पे कवर करने की कोशिश, ये 2 इधर लिख लेते हैं और ये 2 को इधर लिख लेते हैं, तो देखो 2, 2 का साझा कर रहा ऑक्सीजन, है ना, तो हाइड्रोजन 1, 1 का साझा करता है, ऑक्सीजन 2 का करता है, नाइट्रोजन जो 3, 3 का साझा करता है। याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ऐसा। निम्न से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से कौन यौगिक जो ईंधन के रूप में, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, तो 23 का आंसर होगा इथेनॉल, ऑप्शन ए। अब बोलिए सर, ईंधन के रूप में इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, देखो पेट्रोलियम जो ठंडा एकदम जाड़ा जगह होता है, पेट्रोलियम का जो क्षमता सैनिक है मेरे ख्याल से 115 डिग्री माइनस 105 डिग्री शायद है क्षमता सहने का पेट्रोल का, पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे ठंडा इलाका रहता है, ठंडा इलाका, तो पेट्रोल भी जम जाता है, तो वहाँ पे हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इथेनॉल का, उसी में मिला करके या तो अलग से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ठंडा जगह पर इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन याद है ना आपको? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है, ये होता है ना, संतृप्त में एल्केन और एल्कीन और एल्काइन रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्केन का अलग होता है, एल्काइन का अलग होता है। ये देखो मीथेन है, ये क्या है, एथेन है, और ये अलग है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं ना अलग, C2H4 आ रहा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एथीन हो जाएगा, एथीन CnH2n+1 शायद, ये क्या है CnH2n+1, तो C2H4 जो है वो एथीन का सूत्र है, एथीन किसका है, एथीन याद रखेंगे, एथीन ठीक है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक है इनमें से जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो खैर 25 का आंसर हमारा होगा वही, आंसर हमारा सी, एथीन। ओके, तो एथीन हमारा राइट आंसर, ये तो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना, ये हमारा हो गया असंतृप्त, और यहाँ पर ये जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं? समूह और वर्ग ये पूछा जाता है, आवर्त सारणी में आवर्त संख्या या तो वर्ग संख्या बोलेगा, तो समूह कितने हैं? 26 का आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा समूह, समूह बोला ना, हाँ, तो समूह कितना हो जाएगा 18 जो है समूह है इस तरह से, जिसको वर्ग बोलते हैं, उदग्र रेखा है, और 7 जो है क्षैतिज रेखा है, ये है,
ठीक है, याद रखेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करता है मोसले, मोसले जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ऑप्शन पढ़े और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो 27 का आंसर हमारा होगा, ऑप्शन हमारा ए, मृतजीवी, है ना, मृतजीवी होता है वो, पोषण तत्व उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज्यादा सवाल है, 40 सवाल है, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? बहुत अच्छा सवाल, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटे आंत से, इनमें से कोई नहीं। 28 का सही आंसर होगा हमारा बी, यकृत से। यकृत से पित्तरस स्रावित होता है और पित्ताशय में, पित्ताशय जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वहां जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, आंसर हमारा बी होगा राइट आंसर। और एक सवाल और इसे बताए, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी शरीर शरीर की ग्रंथि, सॉरी अंतःस्रावी नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी तो फिर दूसरा हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? देखो कितना हल्का सवाल आता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो इजी सवाल है, ऑप्शन वाला सी होगा, 4 कोष्ठ होते हैं हृदय में, है ना। और मछली है जिसके हृदय में 2 कोष्ठ होता है, बहुत सवाल, मछली मछली ज़्यादा आता है, मछली हृदय, मछली या मानव, यही दोनों ज़्यादा आता है, मानव में 4, मछली में 2, जितना रेंगने वाला है ना सब में 3 पाया जाता है, जितने रेंगने वाला जानवर है, सांप हो गया, ये एक मगरमच्छ है जिसमें 4 पाया जाता है, 4 कोष्ठ। पुष्प का नर जनन अंग कौन है? पुष्प का, फूल का, नर यानी कि पुरुष का जनन अंग, पुंकेसर, जांग, पंखुड़ी, तो खैर नाम से याद रखा, पुष्प तो पुंकेसर, स्त्री तो स्त्री केसर, दोनों नाम पुष्प है तो पुंकेसर, स्त्री है तो स्त्री केसर, आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम कौन है जी? प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, याद रखेंगे हमारा आंसर क्या होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण है कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगायरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, आंसर ए होगा, पुनरुद्भवन। ओके, आंसर ए राइट आंसर होगा। तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर पुनरुद्भवन कहते किसको है? तो देखो हाइड्रा और एक और है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ये दोनों को अगर हम बीच से काट दें, टुकड़ा कर दें, तो फिर वो टुकड़ा जो होगा ना, वो टुकड़ा से फिर वो जन्म जन्म ले लेगा, समझे? अगर हाइड्रा के प्लेनेरिया जैसे अगर प्राणी को अगर काट दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा फिर विकसित हो जाता है और फिर से नया उसका जीवन निर्माण हो जाता है, फिर से नया जीव बन जाता है, समझ आ रहा है ना? इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। काश ये आदमी भी ऐसा होता है ना। तो आंसर वाला ये बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ये तो सवाल अच्छा दिख रहा है। 33 नंबर सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, कौन है? अग्नाशय, पीयूष, अंडाशय, वीरसेन। तो 33 का आंसर क्या होगा हमारा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, अंतःस्रावी करता है, अंतःस्रावी करता है पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथ ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, और सभी ग्रंथों को कंट्रोल भी करता है ये। हमारा आंसर फिर ये होगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? मतलब संवेदी ग्राही मतलब सेंसिटिव, जिसको बोलते हैं सेंसिटिव नहीं है, जिससे आपको पता चल जाए ओ कोई बोल रहा, कोई सुन रहा, कोई चख रहा। तो कान से तो तुरंत सुन लीजिएगा, आँख से तुरंत देख लीजिएगा, नाक से तुरंत सुन लीजिएगा, दिमाग से कुछ नहीं, आपके पीछे कौन खड़ा आपको दिमाग नहीं बता पाएगा, है ना। आपके पीछे अगर कौन खड़ा है तो आपका दिमाग नहीं बता पाएगा कि कौन खड़ा है, लेकिन कौन कितना दूर से बोल रहा तुरंत कान में आवाज़ आ जाएगा। दूर भी रखा हुआ तो तुरंत आँख, अगर आँख आप सामने देख रहे हो तो इधर वाला भी दिखेगा हल्का हल्का। नाक से तो सूंघ ही लेते हो, बिरयानी बनता है तो, है ना। तो आंसर वाला डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, समजात अंग का उदाहरण है? समजात अंग मतलब सेम अंग, समजात अंग कहते हैं जो अंग समान हो, काम अंग के हिसाब से अंग भी लगे देखने में और काम उसका समान हो, उसी तरह समान। हमारा कुत्ता और हाथ, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद है ना, और हमारे हाथ और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी। तो 35 का आंसर क्या होगा? तो हमारा 35 का, देखो हमारे हाथ और हाथी के दांत क्या काम करेगा? हाथी के दांत तो बड़ा सा निकला रहता है, हमारे हाथ की तरह कैसे काम करेगा?
आलू और घास के ऊपरी, ये नहीं, आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा राइट। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, 35 का आंसर ए होना चाहिए। क्या कहते हैं इसके बारे में, बुक में आंसर डी दिया हुआ लेकिन हमारा आंसर ए होना चाहिए। कमेंट करें अगर आपको इसके, अगर आप इससे एतराज़ करते हैं तो। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, मतलब वंशगत का मतलब होता है कि जन्म से चलते नहीं आ रहा, माँ बाप से मैच नहीं कर रहा। आंखों का रंग मैच करता है, हाँ मैच करता ही है। शरीर का आकार, चमड़ी का रंग भी करता है, माँ गोरा तो बेटी गोरा भी गोरी हो जाएगी, माँ काली तो बेटी भी काली, बेटा भी काला। शरीर का आकार भी डिपेंड करता है ना, लेकिन बाल की प्रकृति नहीं, जरूरी नहीं कि बाप का बाल सादा है तो बेटा का बाल सादा होगा, नहीं है ना, अलग अलग हो, ये दोनों को ऐसा कोई डिपेंड नहीं, किसी भी हो जाए काला सादा उसे कोई मतलब नहीं है, आंसर डी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है, कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करता है, कितना हल्का हल्का सवाल आ रहा है, देख रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत हल्का सवाल आ रहा है। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास गेहूँ आम, घास बकरी मानव बकरी, तो आहार श्रृंखला मतलब श्रृंखला एक बन रहा भोजन का, तो देखो घास को खाएगा बकरी, बकरी को खत्म माना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ तो करना ही है, बाकी तो ये सब वाला, घास को गेहूँ नहीं खाएगा, घास बकरी को माने गाय कभी नहीं खाएगा, घास को मछली खाएगा, चलो मान ले मछली घास खाएगा थोड़ा ना, बकरी थोड़ी नहीं खाएगा मछली को। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो 38 का हमारा हो जाएगा थर्मोकोल, क्या होगा थर्मोकोल, याद रख रहे हैं थर्मोकोल जो है अजैव निम्नीकरण कचरा है। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी, वैश्विक उष्मन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस जिम्मेदारी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये लास्ट सवाल है, कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों को धोना, गंगा में कपड़ा धोइएगा तो गंदा होगा ही होगा, गंगा में अधजले शव को बहाना, ये भी शव जला नहीं बहा दिए है ना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सब प्रभावित करेगा, लेकिन मछली पालना, मछली पालिए, मछली तो है ये गंगा में, लेकिन वो गंदगा गंगा नदी को प्रदूषित नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों काम प्रदूषित करेगा। तो इस तरह का आपका यहाँ पे देखो आंसर भी लिखा हुआ है, और मैं इसका PDF भेजूंगा, इसका PDF लेने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, टेलीग्राम प्ले स्टोर से टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करेंगे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ग्रुप का नाम आ जाएगा, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं और सब फ़ायदा ले रहे हैं, और जैसे आप ज्वाइन होंगे एक मैसेज आएगा वेलकम का, वहीं पे लिखा रहेगा ज्वाइन टू ग्रुप PDF ग्रुप, PDF ग्रुप वहीं पे लिखा रहेगा, लिंक दिया रहेगा, PDF ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ऐसे इसको सर्च करोगे ना तो PDF यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा PDF तो PDF ग्रुप का भी आ जाएगा, सेम लोगो जो चैनल में दिख रहा है उसमें लिखा हो रहेगा PDF, ठीक है वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। अच्छे लगे सवाल, कितना सवाल आप 40 में, सॉरी मैं 50 बोल दिया था शुरू में, 40 सवाल ही है इसमें था, 40 में कितना सही बनाया हूँ, मुझे एकदम फटाफट ईमानदारी से कमेंट करना, ठीक है ईमानदारी से प्यारा से बताता कि 40 में से कितना आपका सही आंसर है, 35 से तो नीचे नहीं रहना चाहिए। ओके डैट सवाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो लाइक नहीं किया हो ना लाइक कर दीजिए, और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। डैट सवाल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।